आप जाओ। फिर मैं वो दरवाजा वाला होता है ना पुलिस स्टेशन वाले जो ऐसे खुल जाते थे आपने जो भी लिखा था मेरा इंट्रोडक्शन वो मैडम खुद ही कर रही थी। ही इज अंकुर ज्योतिदास, ही इज फ्रॉम तेजपुर असम, हिज हॉबीज आर दिस, ही इज कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम दिस 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 एंड ही इज वर्किंग करेंटली इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर चेयरमैन ने पहला क्वेश्चन, हमेशा चेयरमैन पहला क्वेश्चन पूछते थे, तो मैडम पूछ रही थी कि यू आर फ्रॉम तेजपुर, मैंने बोला हाँ। तो जैसे मेरा लोकेशन कुछ वैसा हो जाता है वहाँ से कम लोग आते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में, तो इसीलिए लोकेशन जैसे, तो मेरे बारे में थोड़ा वो पूछा कि तेजपुर क्या वो है हेडक्वार्टर है, मैंने बोला हाँ हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट ये, तो वो लोकेशन के बारे में पूछने लगा। फिर वो पूछती है कि नॉर्थ ईस्ट के हो आप, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या लाइफ में, मैंने बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा, बोला ऐसे क्या इश्यूज रहते हैं, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे बोला कि उसको ऐसे कुछ इशू हुआ था दिल्ली में ना, तो कुछ रहते को चिंकी विंकी बोल देते थे आपके साथ हुआ, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर मैडम पूछ रही थी कि वही है इनर लाइफ परमिट क्या होता है, जैसे कुछ स्टेट है वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ परमिट लेना पड़ता है, ऐसे आप घूम नहीं सकते हो, तो वो सब मैंने बता दिया था क्योंकि वो तो मुझे पता था कि अपने स्टेट के बारे में वो पूछेगी, क्योंकि ये तो आपको तैयारी करके जाना ही है, अगर आप जिस स्टेट से भी हो उस स्टेट के बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपका मतलब क्विजिन क्या है या फेस्टिवल कौन सा है, या उसके बारे में तो पता होना चाहिए, वही नहीं बता पाओगे तो ठीक है नंबर नहीं का ठीक है ना, थोड़ा एक गलत इंप्रेशन चला जाता है। और चेयरमैन जो मेन अपना फाइनल जो मार्क्स लिखेंगे ना वही लिखेंगे, तो उनके साथ अगर आपने अच्छा एक बना लिया स्टार्टिंग में तो वो तो बढ़िया हो जाता है, बाद में टेक्निकल में थोड़ा खड़ा भी कर दो तो वही अपने फाइनल मार्क लिखते हैं ना तो अच्छे लिख देंगे। तो यही है, मैडम ने यही पूछा क्यों टेक्निकल तो नहीं पूछते। फिर वही पूछ रहे थे कि कोई कॉमन क्वेश्चन, आप पीएसयू में जॉब कर रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग सर्विस क्यों करना है, तो ये आंसर तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना ही है, तो मैं भी तैयारी करके जाना, तैयार का वही आंसर बोलना है, वही है थोड़ा बहुत बोल देना, डाइवर्सिफाइड वर्क देखना है, वो सही बात है मेरे साथ भी हो रहा था मोनोटोनस है तो वो बोलना है, और मैनेजरियल है यहाँ पे अभी तो मैनेजर बने नहीं है 12 साल लग जाएगा, तो वो सब आपको सजा धुजा के बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है अल्टीमेटली। फिर टेक्निकल वालों का रोल आ जाता है, और टेक्निकल वालों को आपको ऐसा नहीं पूछता है उसमें कि ये जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये क्या होता है ये क्या होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा गया मुझे जैसे एक बिल्डिंग है तो मोबाइल का सिग्नल किस फ्लोर में ज्यादा आएगा किस फ्लोर में कम आएगा, बता दिया उसे। फिर बोला ये प्रॉब्लम क्यों होता है, इसको हटाने के लिए एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तुम क्या करोगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर मेरा जो मैं क्योंकि जॉब वाला था तो जॉब से रिलेटेड ज्यादा पूछा, तो सेकंड पर्सन था उन्होंने मुझे जॉब से पूछ लिया तुम वहाँ पे क्या करते हो क्या रोल है कौन सा प्रोजेक्ट में हो समझाओ वर्किंग मतलब क्या बना रहा है, मतलब सब कुछ मैंने उनको समझा दिया था। तो जो भी जॉब से रिलेटेड जॉब करके जो लोग जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू देते हैं उनका जॉब प्रोफाइल में ही रहता है, और जो भी एमटेक करके जाते हैं उनका एमटेक के इंटरव्यू सॉरी ये जो प्रोजेक्ट होता है उनमें पक्का है, वो प्रोजेक्ट तो अच्छे से तैयारी करके जाना ही है, और बाकी जो वो एमटेक भी नहीं है वो तैयारी कर रहे बहुत साल से उनका तो ये क्वेश्चन अच्छे से पता प्रिपरेशन करने के जाना है, इतना सारा ड्रॉप तुमने क्यों लिया क्योंकि स्टूडेंट्स जो है मोस्टली वो ड्रॉप वाले ही रहते हैं, तो इतने ड्रॉप्स का क्या आंसर रहना चाहिए, आप डिस्कस किए होंगे अपने दोस्तों के साथ? उसमें आप क्या ही बोल सकते हो, वही बोल सकते हो कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, और वही या तो मेरा एम ही गोल ही वो था, ये भी बोल सकते हो क्योंकि माय अल्टीमेट गोल वाज ओनली इंजीनियरिंग सर्विस एंड एज आई एम ओनली एमिंग फॉर दैट इंजीनियरिंग सर्विस एंड सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, यही बोल सकते हो मतलब इस तरीके से ये है कि कन्विंसिंग होना चाहिए, कन्विंस करना है वो दिखना चाहिए कि हाँ इंजीनियरिंग सर्विस आपका ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा इंजीनियरिंग सर्विस एम है ऐसा, तो थोड़ा वो मतलब एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, ब्लफ नहीं करना चाहिए, ब्लफ करोगे तो फंस जाओगे वहां पे, यही गेम है ब्लफ करोगे तो फंस जाओगे, ब्लफ नहीं करना है आपको। और ये मैं बोलूं मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन मुझे जैसे मैं पूछा गया कि एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कैसे, मैंने बोला था कि ये सिग्नल बूस्टर वगैरह लगाएंगे, बोला ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन बताओ उनको, मैंने बोला आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट मैडम। फिर और कुछ पूछा कि कितना डीबी का लॉस होगा जो सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो रहा है ना फ्लोर के साथ, मैंने बोला आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ऐसे मुझे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या है मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि बेल भी इसमें काम करता है, लेकिन मैं उस डोमेन में घुसना नहीं चाहता क्योंकि मैं अगर आंसर बता दूंगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेडी हो जाओ, मतलब समझ रहे हो ना, आप एक क्वेश्चन बताओगे तो उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट के लिए ऐड हो जाओ, वो बताओगे फिर एक नेक्स्ट ऐड हो जाओ, तो ये एक रिपल बनता जाएगा,
तो अगर उस डोमेन में आपको नहीं घुसना है सीधा बोल दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और बार बार एक ही लाइन मत बोलो कि आई डोंट नो, थोड़ा अलग अलग बोलो, आई एम अनेबल टू रिकॉल, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई डोंट नो, थोड़ा साइकोलॉजिकली खेलो, मतलब बार बार आई डोंट नो सुनना अच्छा नहीं लगता ना, तो होता है, तो मैंने भी बोला सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, तो बोल दिया, तो ऐसा है थोड़ा कट लो अपना, लेकिन लोग सोचते हैं कि यार ऐसे बोलूंगा तो मार्क्स कटेगा, नहीं मार्क्स उसका होता है जो आप बोलते हो, मार्क्स उसका नहीं होता जब आप नहीं बोलते, ये बात अपना ध्यान दो। मार्क्स वो नहीं होता जो आप नहीं बोलते, मार्क्स वो होता है जो आप बोलते हो, तो जो आप बोलते हो उसमें अगर आपने ब्लफ किया, इधर उधर कर दिया, या थोड़ा अपना हवाबाजी दिखा दिया, कि कोई लोग लिखते हैं हॉबीज में क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन हॉकी ये वो, नहीं ऐसा नहीं लिखना है कभी भी डेफ में, एक हॉबी लिखो जिसके आप बोल देते हो, तो वैसा लिखना भी चाहिए, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे आपने अपनी हॉबी क्या लिखी थी और उसमें क्या क्या पूछा गया? मैंने सही किया, क्योंकि मैं आपको पहले बता था कि मैं टीचिंग करता हूँ और मैंने पढ़ाया भी है, कि मैं 11 12 के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, और वैसे भी मैं कॉलेज में भी मैं अपने जो दोस्त होते थे उनको ही पढ़ाया हूँ, तो मुझे पढ़ाने का भी शौक था, और मैंने अपना एक SMEs में मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, जो फिजिक्स का मैंने स्टार्ट किया था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं वही है ना कि मेंस खत्म होता है उसके बाद मैंने सोचा था कि चैनल शुरू करूंगा, और प्रीलिम्स खत्म होगा तो मैं बनाऊंगा, फिर कुछ दिन किया फिर मेंस का तैयारी शुरू, फिर मेंस खत्म हो गया मैंने सोचा था करूंगा, फिर कुछ दिन बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू, फिर मेरा ऐसा ऐसा मतलब समय निकल ही जाता, तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, तो मेरा टीचिंग था तो मैंने टीचिंग ही लिखा, तो लेकिन मुझे हॉबी के ऊपर ज्यादा उन लोगों ने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ऑलरेडी आपका इधर बैकग्राउंड था ना, मतलब आप जॉब भी कर रहे थे ये सारी चीजों में, वो होता है क्योंकि आपको वो लोगों के पास अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो क्या जाएंगे वो मजे लेने के लिए, वो सब में घुस जाएंगे, हॉबी क्या है, चलो फुटबॉल है, तो फुटबॉल में एक बंदे को पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है, तो उसने कुछ बोल लिया, मतलब कंपेयर बोलता मैराडोना और मेसी में आप किसको चाहोगे, और हु इज अ बेटर प्लेयर, तो आपको ऐसा नहीं बोलना कि मेसी इज अ बेटर प्लेयर, नो, according to the situation at that point of time when we look maradona was a great player at that time but aise ya kohli aur tendulkar mein hum kaise compare karein us zamane ka cricket ka alag hi ek tha abhi ka ek cricket alag abhi 2020 aa gaya ye aa gaya to aapko ek matlab neutralize answer dena hai matlab aapko ek ek polarize matlab ek taraf nahi dena hai no sachin tendulkar is god he is best kohli is nothing nahi ye nahi hai क्योंकि ये चीज आपको अभी जब भी जॉब करोगे आप कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी आप पॉलिसी के बारे में पूछ रहे कि ये क्या है चलो डिमोनिटाइजेशन क्या तो आपको ऐसा नहीं बोलना ये तो गलत किया यार इतना लाइन लगाना पड़ता है ये कभी नहीं बोलना है आपको बोलना है इट वाज ए गवर्नमेंट ने लिया इट इज ए गुड स्टेप गवर्नमेंट का बुराई कभी नहीं करना है वहां पे जाकर क्योंकि आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कर रहे हो आप बाहर जाके कर लो दोस्तों के सामने रोटी सोके और उनके सामने नहीं करना है गवर्नमेंट के बुराई और ये आप ऑफिसर भी है ना सर मतलब ऑफिसर है तो आपके पास लोग आएंगे आपको पूछा जाएगा कि क्या है कैसा है करके तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है आपको हमेशा उस चीज में भी न्यूट्रल रहना है तो ये आपके ऑफिसर के पोस्ट के लिए भी है ऑफिसर के पोस्ट के लिए आप अभी आपको न्यूट्रली रहना है क्योंकि जो भी डिसीजन लिया गया है पार्लियामेंट बनी हुई है ना वो लोग जो डिसीजन लेगा वो चलना ही पड़ेगा वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो तो सुनना ही पड़ेगा बाकी जो भी पॉलिसी लाएगा उसको बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के काम हम लोगों का है ब्यूरोक्रेट्स के तो वो तो करना ही पड़ेगा जैसे रेलवे में कुछ नया चीज लाया जाएगा कोई पॉलिसी लाएगा नीचे लेवल में अपन लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा तो वो तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि ये पॉलिसी गलत है हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूँ सर आप मतलब काम के साथ साथ कैसे मैनेज कर लेते थे वहां पर क्या शेड्यूल रहता था और आने के बाद आप कितने घंटे प्रिपेयर कर लेते थे ये तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछ लिया क्योंकि ऐसा है ना मतलब मैं सही बोलूँ ना मैं वहाँ पे जो शॉर्ट आवर था वहाँ पे अपना पंच होता था 8 बजे आपका पंचिंग होता था और 4 बजे पंच आउट होता था 8 आवर्स का जॉब 8 to 4 होता था तो मैं कभी 8 बजे जा ही नहीं पहुंचा मैं कभी भी मेरा हमेशा कभी 8:30 8:45 9 कभी कभार मेरा बॉस भी बोल देता है यार तुम टाइम पे आ जाया करो और मैं बोलता था कि सर ठीक है कल से आ जाऊंगा फिर एक दो दिन आता था फिर मेरा वही शुरू हो जाता था क्योंकि प्रॉब्लम ये था क्योंकि ऑफिस 4 बजे छुट्टी होता था ना मैं आ जाता था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता था ना तो मैं आ जाता था एकदम बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है आपकी जरूरत है कि मार्च के महीना में काम ज्यादा होता था वहाँ पे क्योंकि वो फाइनेंशियल एंड हो रहा है ना तो थोड़ा काम ज्यादा खत्म करता है क्योंकि टाइम बिल उसी टाइम बन जाता है तो क्लियर हो जाएगा वो तो मार्च के महीने में मेरा दिक्कत तो हुआ था ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे नॉर्मल टाइम में 4 बजे निकल जाता था 4 बजे निकलने के बाद मैं 4:30 में रूम पहुंच गया 6 बजे तक मस्त सोता था कभी कभी 7 बजे तक सो जाता था मस्त और कुक लगवा लिया था मैंने खुद खाना नहीं बनाता
तो मैं कुक लगवा लेता था। तो 7 बजे में सो के उठता था, मेरा दोस्त मेरे फ्लैट में जो है तुषार नाम से, हम दोनों चाय पीने जाते थे, एक बगल में ही दुकान थे, चाय पी के आते थे, दोनों बैठ जाते थे, बस सो के उठा, फ्रेश हो गया, फिर 7:30 या 8 बजे से हम लोग शुरू करते थे, 2, 3, 3:30 वो थोड़ा ज्यादा पड़ता था, वो 4 बजे तक भी पढ़ लेता था, मैंने बोला भाई सो जा, मैं 2 बजे सो जाता था, फिर सुबह 7:30 या 8 बजे उठता था, ब्रेकफास्ट नहीं करता था, ब्रश वश करके फ्रेश होके ऑफिस निकल जाता था, फिर वही पे ब्रेकफास्ट कर लेता था बाहर जाके, मतलब पंच आउट करके बाहर वही दुकान था, ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस में ऑफिस का काम कर लेता था, और फिर अगेन 4 बजे निकल जाओ अपना मस्त आओ सो जाओ, मतलब वो 7 घंटा भी आप सोने का कंप्लीट कर लेते थे रात को 4। मतलब आके मेरे से कोई लोग होता था कि 4 बजे आके वहाँ पे हेक्टिक शेड्यूल से आके भी फिर कंटिन्यू कर लेता था, लेकिन मेरे से नहीं होता था, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा ये है ना, अभी मेरा यही है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ कहीं भी, तो मेरे को एक सोना की मतलब एक नैप जरूरी होता है कि मैं फ्रेश हो जाऊँ, मेरा ब्रेन फ्रेश हो जाए, तो मैं इसीलिए 1.5 घंटा तो मैं मिनिमम सो ही जाता था, तो सो के उठ के मैं फ्रेश होकर फिर मस्त पढ़ता था, और वो कंटिन्यू रहता था, ठीक है, आधा घंटा घर वर कॉल करने के लिए चला जाता था, और 1 घंटा 1.5 घंटा खाना के लिए बाकी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं था, कुक आता था, खाना बनाता था, धो के बर्तन धुल के चला जाता था, अपन को मस्त खा के बढ़ाओ, फिर दोबारा कंटिन्यू करो। सर आप इतने आसानी से चीजों को समझा दे रहे, मैं ये जाना चाहता आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आए हैं उनको आप कैसे कोप अप किए, ऐसा नहीं लगा कि यार कितना पढ़ेंगे या कुछ भी, मतलब डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। हाँ लेकिन ये तो आता था, लेकिन एक मोटिवेशन था, मेरा मोटिवेशन ये था ना, मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं यहाँ से तो निकलना है, अच्छे जगह में जाना है, थोड़ा मुझे मतलब काम से भी मुझे थोड़ा धीरे धीरे वो लगने लगा कि नहीं इससे अलग ही जाना है, तो कभी भी मेरा डिस्ट्रेक्शन होता था तो मैं ये सोचता था नहीं यार फिर से ऑफिस जाना है, नहीं ये ऑफिस नहीं जाना है मुझे, रेलवे का ऑफिस जाना है, मैंने वो एक से मोटिवेटिंग रहा, मैं भी उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप ये करते करते फिर धीरे से बोलेंगे नहीं अब मुझे यूपीएससी कर मुझे वहां हाँ वैसे होता है, वही होता है, ये मतलब सबका वही चाहत होता है, एक मतलब क्या बोले डिजायर में बोलूं मैं वो होता है कि आप ग्रो करते रहो, आप ग्रो करते रहो, एग्जैक्टली यू गो टॉप द लैडर, ये सबके साथ होता है, तो किसी को सेटिस्फेक्शन मिल जाता था, मुझे नहीं मिला था तो मैंने ट्राई किया, मोटिवेटिंग वीडियो वगैरह देखते थे वही है जो टॉपर्स है उनका वीडियोस देख लेता, तो वो भी एक मोटिवेटिंग आ जाता था, तो ठीक है यार मुझे भी अगले साल ऐसे कुछ वीडियो बनाना है तो कुछ ऐसा रहता है ना कि ठीक है मैं भी उस पोजीशन में हूँगा तो क्या होगा, तो वो मोटिवेटिंग वीडियोस वगैरह मैं देख लेता था। तब तो फिर हमारा भी पहले आप देखे होंगे, मैं उनका इंटरव्यू लिया था साईदीप का, ईसी के सेकंड रैंक थे ना वो। नहीं मैंने एक्चुअली ना आन अकेडमी उस समय में ज्यादा इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे ज्यादा नहीं किया, अभी मैंने ये थोड़ा सिविल का जब सोच रहा था तब मैंने ये मैं उससे पहले आपके पहले बैच के थे वो, आपसे पिछले बैच के सेकंड रैंक पे आए थे साईदीप चेरुकुरी करके हैं, तो वो ईसी के थे तो उनका इंटरव्यू लिया था, तो फिर उसके बैच के बाद के आप रहे होंगे है ना, तो मतलब वो रहता है ना कि ये जो हम लोग सर कर रहे हैं ना, क्या पता किसी एक बच्चे को भी फायदा कर गया ना कि वो सुन लिया और वो इंस्पायर हो गया कि कैसे आप इतना दूर तक पहुंचे और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो अपना ये शो भी सक्सेसफुल हो जाएगा और हम लोगों का इतना रात को जगना भी सक्सेसफुल हो जाएगा। एग्जैक्टली वही है कि ये मतलब आप लोगों का जो भी मीडिया है, पहले तो ऐसा नहीं था ना, अब जैसे ऑनलाइन ये सिस्टम आ गया, आप कहीं भी गाँव तक पहुँच रहे हो, मैं वहां पे जाके अभी जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे था थोड़ा बहुत मैं सिविल का सोचा था तो मैंने देख लिया था, तो वहाँ पे अनअकैडमी का आप लोग देख रहे हो, कहीं पे गांव पे जाके देख रहे हो, मतलब हर जगह कनेक्टेड है, तो एक अच्छा फैसिलिटीज है वो, और मतलब वही है ना, मैं भी बहुत लोगों को रेकमेंड तो करता हूँ कि ये देख लो, और ये भी है ट्यूटर भी अलग अलग मिल जाता है आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्यूटर मिलता है कि अलग अलग ट्यूटर, क्योंकि मेरा भी जब मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत तैयारी करूंगा जैसे ज्योग्राफी लोगों लेके मेरा हुआ था कि ट्यूटर कौन सा लो, तो मैं अलग अलग ट्यूटर देखा, फिर फाइनली मुझे देखा कि सुदर्शन सर का अच्छा लगा। नहीं सर वही चीज ना, आप चीजों को अच्छे से समझ ले रहे हो, क्योंकि कई लोग ना अब स्टूडेंट्स क्या है ना, दे आर लाइक कि नहीं ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती है और बैठ के ही होती है, पर आप उनके सामने बड़े एग्जांपल है, मतलब आप ऑनलाइन के ही इतने सारे कंटेंट्स देखे और वो भी विदाउट कोचिंग के। हाँ चीजें यूज करता था बहुत ज्यादा।
आजकल ऑनलाइन में सब कुछ मिलता है, मेरे ख्याल से वो तो जरूरी नहीं है। और अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट, आप कोचिंग में जाओगे ना, आके तो खुद को पढ़ना ही है, तो मेरे ख्याल से तो वही है, सेल्फ स्टडी की आपको ज्यादा जरूरत है। सेल्फ स्टडी कर लो, और आजकल ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऑफलाइन एक मस्त हो गया है कि नहीं है। और आप लोग इतना, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोकल है, दूर दूर से लोग आते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, इतना पैसा खर्च करके रहते हैं वो भी, और बाद में अगर सक्सेसफुल होता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होते हुए तो इतना पैसे के खर्च हो जाते हैं, और सब तो इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं होता, जैसे मेरा ही केस लीजिए, इतना नहीं था। तो ऐसा तो आप ऑनलाइन का ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा सही है ना, क्योंकि जियो का तो डेटा रेट बहुत सस्ता है ना, वो तो नहीं सर, वही चीज़ ना स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर मेरे पर फाइनेंशियली वीक है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपके सामने अंकुर हैं, शुरू से ही बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फेस किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, और स्ट्रगल करते करते इस चीज़ का प्रेशर भी रहता है ना सर, कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है आपके कंधों पे, कि आपको फैमिली को देखना है, मम्मी को संभालना है ना, और उसके साथ साथ आप प्रिपेयर करते गए, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा। एग्जैक्टली वही है ना, जब मैं वन ईयर का था उसी टाइम ही मैंने अपने फादर को लॉस किया था, और उसके बाद मेरा मम्मी ही हम दोनों को बड़ा किया था, भैया और मुझे, तो वो भी एक स्ट्रगल का पॉइंट था, क्योंकि उस समय मम्मी पेंशनर थी और फादर मेरा टीचर था, तो गवर्नमेंट स्कूल का तो इतना पैसा भी नहीं मिलते थे उनको, मुझे अभी भी याद है कुछ 5000 के आसपास पेंशन मिलता था, तो 5000 रुपये से घर कैसे चलते, तो वही है। तो बड़ा भैया तो इतना नहीं पढ़ पाया, वो आर्ट्स में नाम लगा लिया, और थोड़ा सा वो मेंटली अनफिट हो गए, जो सिज़ोफ्रेनिया है वो इलनेस उसने ले लिया था, फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया था, मुझे तो करना ही था। अच्छा तो मैं भी क्या था, मतलब इतना भी ऐसा नहीं था कि एक्सेप्शनल था कि बचपन से बहुत तेज था, ऐसा भी नहीं था, लेकिन ठीक है मैं करता गया अपना, और टेंट में मेरा ऑल असम मेरा 9th पोजीशन आ गया, तो थोड़ा मैं हाईलाइटेड हो गया उस टाइम, और लोगों के बीच में तो थोड़ा लोग भी हेल्प करने आ गए कि सब लोग पैसा कलेक्ट करके मुझे दे रहे हैं, कोई मुझे यूनिफॉर्म दे रहा है कॉलेज का कोई, और उस समय मुझे अभी भी याद है, मेरे मम्मी को मैं अभी शो के द्वारा मैं बोलूँगा कि आज अगर मेरे मम्मी नहीं होते ना तो मैं आज यहाँ तक नहीं आता, क्योंकि आज मेरे मम्मी ने जो भी किया है ना, मतलब मैं कैसे उसको मतलब रिपे करवाई दो, मतलब बहुत कुछ किया है, मतलब मुझे इतना तक याद है, मतलब जहाँ पे मैं ट्यूशन के लिए मम्मी के पास पैसा नहीं होते थे तो वो टीचर के पास जाते थे और बोलते थे कि मतलब ये है ऐसा ऐसा सीखा, टीचर भी अच्छे थे, ठीक है हम पैसा नहीं लेंगे आप उनको भेज दीजिएगा, तो टीचर बोलते थे उसको भेज दीजिएगा और वो समझ जाता है जल्दी, तो उसको भेज दीजिएगा हम थोड़ा बहुत दिखा देंगे तो वो समझ जाएगा, तो वैसे मतलब फ्री ट्यूशन था, और फिर मेरा 10th में अच्छा रिजल्ट आ गया, 9th पोजीशन आ गया, तो थोड़ा न्यूज़ भी उसमें हाईलाइट हुआ, और मेरा सिचुएशन के बारे में लोगों को और ज़्यादा पता चला, तो वहाँ का जो ये सब होता था NSU नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कांग्रेस के अंदर ही आते, तो ये लोगों भी मुझे किताब विताब गिफ्ट किया, और बहुत सारे वैसे, और इसमें मैं और एक नाम लेना चाहूँगा जो IPS ऑफिसर थे AP Tiwari सर, तो वो वहाँ का, मैं सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट का मेरा SP था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं उसको पूरा हेल्प करूँगा, तो उस समय जब मेरे पास एक इन्वर्टर नहीं था, तो उस समय मैं जब याद था, मैं जब पढ़ता था ना 10th में भी, तो मच्छर काटता था, लाइट चला जाता था, उस समय फ्री लोड शेडिंग भी ज़्यादा होता था, खैर अभी तो इतना नहीं होता था, उस समय ज़्यादा होता था, तो मम्मी वो लालटेन वेलटेन केरोसिन लेके आती थी, तो वो उसमें मैं पढ़ता था, वो दिया जला के, दिया नहीं मतलब क्या बोला, कैंडल या लैंप जो होता था, लालटेन होता था उसमें पढ़ता था, फिर उसके बाद जब मेरा 10th अच्छा चला गया रिजल्ट, तो SP ने मुझे वो गिफ्ट किया था कि इन्वर्टर तो ले लो, फिर इन्वर्टर आ गया, फिर भी मैं अपना, फिर वो खुद बोले थे कि तुम कोटा चला जाओ सब पैसा मैं दे दूंगा, फिर भी मैंने सोचा कि मम्मी बोले नहीं यार तुम यही रह के पढ़ो, वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो मैं भी सोचा नहीं मैं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, 2 साल तो यही पढ़ लेता हूँ, तो मैंने वही पढ़ लिया, और फिर मैंने वहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि एक कोचिंग वो स्टार्टअप जैसा ही था, उन लोगों ने सर लोगों ने स्टार्ट किया, पल्लव सर था पंकज, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने वो गाइडेंस मिला, वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला, हेल्प मिला, तो उसके कारण ठीक है IIT तो नहीं हुआ, लेकिन NIT मुझे मिल गया, NIT कुरुक्षेत्र मुझे मिल गया, और फिर मैं स्ट्रगल करते करते वहाँ तक मैं पहुँच गया, और फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली SP ने मुझे बहुत हेल्प किया, फिर थोड़ा कॉन्टैक्ट लूज होने लगा, क्योंकि वो सुनित मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से कुछ दूसरा डिस्ट्रिक्ट चले गए, और वो लोग थोड़ा बिजी रहते हैं ना, तो कॉल करने में थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर मैंने क्या किया, एक एडुकेशन लोन ले लिया मैंने, एडुकेशन लोन से मैंने पूरा अपना BTech, और मेरे को इंडियन ऑयल का स्कॉलरशिप मिलता था, क्योंकि कुछ परसेंटेज 80% से आपका जब ऊपर होता है ना 12th में, तो वो एक इंडियन ऑयल का कुछ स्कॉलरशिप आता है कि महीने को आपको 3000 रुपये आता है, तो 3000 रुपये मेरा क्या होता था, अपना हाथ का खर्चा
यूज हो जाता था 3000 रुपीज, बाकी तो लोन से मैच ड्यूज वगैरह क्लियर हो जाता था, बाकी 3000 रुपीज मेरा, क्योंकि मम्मी नहीं दे पाएगी कि महीने को 5000 रुपये मिलते, 3000 तुमको दे देंगे तो हम खाएंगे क्या। तो मैंने वैसे वैसे अपना करते करते आज मैं यहाँ तक जितना खुशी से इस चीज को बता दे रहे ना, मतलब दिल, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। यहाँ पर लोग भी उस चीज को शायद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप जितने आसानी से बोल देते हैं उसके पीछे इतना सारा स्ट्रगल है, इतना सारा दुख है, और वो चीज अब खुशी में कन्वर्ट होके ना मेरे को इतना क्योंकि ये चीज़ बहुत प्रेशियस है वो मोमेंट्स, क्योंकि स्ट्रगल ना हो तो आज ये कन्वर्सेशन करने में ना वो मजा ना आए, है ना। एग्जैक्टली, एक कहावत भी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मुझे उस समय में जरूरत था चीजों की, क्योंकि मैंने पैसा ही नहीं देखा, तो वैसे तो मैंने पहले भी सोचा था कि यार बीटेक तो करना ही है, फिर कुछ जॉब वॉब तो लेना ही है, तो एक मतलब था, चाहत था कि कुछ तो करना है, फैमिली वाले के लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है, ऐसा नहीं है कि खुद जॉब लेके चला जाओ बाहर फैमिली को छोड़ के, ऐसा नहीं था। इसीलिए मेरा थोड़ा गवर्नमेंट के ओरिएंटेड में थोड़ा चला गया, क्योंकि मैं जितना भी लोगों से पूछा तो बोला कि वो सही रहेगा, तुम जैसे भी तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, तो इसीलिए मैंने उस तरफ ही मैं चला गया, स्टार्टिंग से ही मैं चला गया। मैं ना आपको वो मोमेंट पूछना चाहता हूँ, मतलब आपका जॉब लगा तो आप मम्मी को फोन किया, वो मोमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, तो बीएल वाले टाइम का भी और वो ईएससी वाला टाइम का भी। हाँ, नहीं, बेल का जो जॉब लगा था वो तो मैं घर पे ही था। हाँ, उस टाइम ही रिजल्ट आया था, मेरा दोस्त ने बोला था अरे रिजल्ट आ गया, तो वो उनका वेबसाइट में कुछ लॉगिन आईडी मिलता था, लॉगिन करके देखना पड़ता था, तो वो मेरे को मिलता था कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड एज ए, कुछ आया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो मैं खुश हो गया। तो मम्मी मेरे सामने थी और मम्मी को मैंने बोला, मम्मी बोला तुम झूठ बोल, मैंने बोला नहीं सही में, और फिर मम्मी को बोला कि हाँ सही में हो गया, फिर मम्मी को मैंने हगवा किया, अच्छा लगा, क्योंकि उस समय को भी पैसे की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एजुकेशन लोन ले चुका था, और मैंने जो वो कैंपस प्लेस था मैं वो कंपनी ज्वाइन नहीं किया था, और मुझे एक साल बाद उसको रिपे करना था। मान लीजिए मैं गेट का तैयारी कर रहा था और मेरा बेल में भी नहीं होता, गेट में भी नहीं होता, तो मैं क्या करता, मैं लोन कहाँ से चुकाता, तो मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के मेरा बहुत हो जाता, तो मतलब सब कुछ, मतलब क्या करूंगा, मैं पीस में मेरा फिट हो गया, ठीक है थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे था, लेकिन अल्टीमेटली पीस हो गया, मतलब फीक दिया। तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब अच्छा था, हाँ एक जॉब मिला, कुछ तो हुआ है, मतलब घर पर भी थोड़ा बहुत काम है, रिपेयरिंग वगैरह करना है बहुत कुछ, जैसे मतलब जब मेरा घर बन रहा था तभी मेरा फादर का डेथ हो गया था, तो वो अच्छे से कंप्लीट भी नहीं कर पाए, और मम्मी के इतना हिम्मत ही नहीं हो कि घर कंप्लीट कर पाए, तो अभी मैंने उसको रिपेयरमेंट, जब मैंने बेल ज्वाइन किया उसके बाद मैंने पैसा भेजा मम्मी को, बनाओ घर अच्छा करो, और वो थोड़ा अच्छा लगा। ईएससी का जब रिजल्ट आया वो भी एक बहुत बढ़िया मोमेंट था, ईएससी का जब रिजल्ट आया वो दिवाली का टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद है, और जो मेरा फ्लैटमेट था जो तुषार था वो लखनऊ का है, वो घर गया हुआ था, और मैं फ्लैट में अकेला था, तो उस समय हमारा और एक दोस्त था जय, तो हम तीनों ही ऐसे एक साथ तैयारी करते थे, लेकिन वो 2018 में उसने निकाल लिया था, AR92 था मैकेनिकल का, वो स्किल इंडिया में अभी वो बैठा हुआ है, तो उसने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है कॉमन तीनों दोस्तों का, तो उसने मैसेज छोड़ दिया, इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है, AIR 15 AIR 23। हम लोगों ने बोला क्यों मजाक करता रहता है, फिर उसने वो PDF भेज दिया जो आता है ना नाम के साथ, फिर आ गया, फिर मैं ऐसा स्क्रोल करते गया, फिर मैं इसी वाला लास्ट में रहता है हमेशा, तो मैं देखा ये पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, फिर मैंने 15 में उसका देखा तुषार रस्तोगी, मैंने बोला यार इसका हो गया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत किया। फिर मैं थोड़ा बहुत गया, 23 में मेरा नाम था, और मैंने मोबाइल गिरा दिया, और मेरा मतलब आंसू आने वाला था, मतलब क्या मोमेंट था, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब मैं खुश हो गया था यार क्या करूं। फिर मैंने लगाया मम्मी को कॉल रोते हुए, मम्मी मेरा हो गया फाइनली, इंजीनियरिंग सर्विस मेरा हो गया, और अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि होता है ना, फिर मन नहीं कर रहा। मैंने उस समय मैंने थोड़ा बोला था तुझा कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आने आया उससे कुछ दिन बाद प्रीलिम्स ही था, और मैंने तैयारी शुरू नहीं किया प्रीलिम्स का, तो किताब विताब भी मेरा रखा हुआ था, कहा है थोड़ा तो अरेंज तो कर लो पहले, जीएस के किताब पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि मेंस में तो जीएस होता नहीं, सारा टेक्निकली पढ़ रहा था, जीएस का किताब कहाँ छुप गया, तो उसने उस दिन ही बोला था कि तू भाई जीएस के किताब विताब थोड़ा निकाल ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले, टाइम नहीं बचेगा। मैंने बोला नहीं यार मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक मन नहीं करता। फिर मैंने सोचा यार फाइनली हो गया, दोबारा तैयारी नहीं करना, नहीं तो फिर वही हेडेक, वही साइकिल, दैट इज ए विशियस साइकिल,
यू विल फॉल। तो उस साइकिल से मैं बाहर आया भगवान के कृपा पहली अटेम्प्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मम्मी को कॉल किया और दोस्तों को भी कॉल किया। उस दिन तो कॉल ही कॉल आता रहा और एक अच्छा मोमेंट था, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा। नहीं सर, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आप मेरे को इस चीज़ के बारे में बोलेगा, जिस दिन आप ना सबसे ज़्यादा मुसीबत में रहोगे ना, उस दिन आपको ना सबसे ज़्यादा ताकत भी मिलेगी। क्या बोलते हैं इसके बारे में, उस दिन आपको ना मतलब हर चीज़ ना रास्ते में से हटते जाएंगी कि हाँ ये इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसका सबसे पहले क्लियर करेंगे। नहीं हाँ वही है, क्योंकि मैंने एक्चुअली स्ट्रगल देखा है ना, मैंने सब कुछ फील किया हुआ है, तो कहीं पे मुझे, कहीं पे मैं सक्सेसफुल नहीं भी होता हूँ ना, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा लेवल का मुझे मिल चुका है सब कुछ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, तो मैं उसको डील कर लेता हूँ। तो वही है, मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि इतना वो टेंशन मत लो लाइफ में, लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली आप कहीं सेटल हो ही जाओगे, वो मेरा गारंटी है। बस अपना डेडिकेशन से रहो, कहीं आप डिस्ट्रेक्शन मत हो, डिस्ट्रेक्शन हो रहे हो तो थोड़ा मोटिवेशन लाते रहो, कुछ भी ऐसे वीडियोस होता है, जैसे कोई टॉपर के साथ वीडियो बनाता है उनको देखो, कोई ऐसे ही नॉर्मल मोटिवेटिंग वीडियो उनको देखो, लेकिन मोटिवेशन लाओ। और जो मैंने बात बताई कि रेलवे में ये सब होता है, ये सब भी थोड़ा ध्यान दो सामने कि हाँ ये मिलेगा मुझे, ये लाइफ मिलेगी मुझे, ये लाइफ मुझे चाहिए, मेरे लिए नहीं एटलीस्ट तो मम्मी पापा को मैं वो लाइफ दूंगा, ये सुविधा दूंगा, ट्रेन में जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, वहां पे मैं कॉल करूंगा ना कि ये मेरी मम्मी और पापा आ रहे हैं, आप लोग करवा दीजिए, कार भेज दीजिए, वो कार भेज देंगे, लेके आएंगे। तो ये सोचो मम्मी पापा उस समय कैसे होंगे, तो ये सब सोच के आपको तैयारी करना है, एक फीलिंग लाना है, और ये अगर आपके पास फीलिंग रहेगा ना, आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये सोचो कि उनका कैसा फीलिंग होगा, आपको कैसा फीलिंग होगा, एक फोन कॉल में आपका सब कुछ हो जाएगा, ये सोचो। बहुत सही सर, बहुत सही, मतलब इतना अच्छा लग जा रहा है ना। फाइनली सर हम लोग इस चीज़ को एंड अप करेंगे, गेट एग्जामिनेशन आने वाला है सर, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए आपके कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो एकदम छुपा के रखे हुए हैं कि वो अंकुर स्पेशल हैं वो चाहिए, और ESC के लिए भी है ना कुछ जो आपके फेवरेट वो है आप बता दीजिए। अभी जैसे गेट आने वाला है और ऊपर से ESC का इंटरव्यू आने वाला है, क्योंकि मेंस का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, तो एक्चुअली गेट के लिए ना अभी जो पढ़ लिया प्रीवियस ईयर अपने कर लिया पहली बार, दोबारा एक बार कर लीजिएगा, एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा है उसको तो करके जाइएगा। टेस्ट सीरीज एक लीजिएगा ऑनलाइन, क्योंकि गेट ऑनलाइन होता है, यहाँ ऑफलाइन मत लीजिएगा, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने आपको मतलब वहाँ पे बैठ के वो सिचुएशन में, अगर अगर आपको टाइम परमिट करता है, सपोज आपका 9 बजे से एग्जाम है, 9 बजे बैठ जाइए, 2:30 बजे से एग्जाम है, 2:30 बजे से बैठ जाइए, 2 बजे से एग्जाम है तो उस टाइम बैठ जाइए और एग्जाम, क्योंकि इवनिंग वाला टाइम होता है ना, अगर आप इवनिंग सोते हो और एग्जाम है आपका इवनिंग को, आप उस टाइम आपको नींद आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ था ना मेंस का, क्योंकि अपन का 2 पेपर होता था सुबह और शाम, तो मैंने दोपहर मैं दोपहर को सोता हूँ खा के, जब भी मतलब संडे होता है तो मैं खा के सो जाता हूँ, तो मैं संडे को मैंने डेडिकेट ली कुछ 2-3 मतलब 2 संडे या 3 संडे पहले से, तो मैं नहीं सोया, मैं उस समय पेपर लिखता था 2 बजे से, नहीं भी लिखता था तो बैठा रहता था, क्योंकि वो एक मोमेंटम बनी रहे आपको उस समय, नहीं तो थकावट होगी, नींद होगी, दिमाग नहीं चलेगी उस समय। तो सेम गेट के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, यही टाइम है, और प्रीवियस ईयर आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होगा, वैल्यू बदलेगा या ये बदलेगा, कॉन्सेप्ट कहीं नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आउट ऑफ द बू, कॉन्सेप्ट तो वही है, इतना 20 साल हो गया, ये हो गया, आप लोगों ने देखा है कि किस कॉन्सेप्ट में वो लोग पूछ रहे हैं। तो अभी यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि मेरा दोस्त ने तो ये भी ले लिया, इस सेंटर का भी लिया, इस सेंटर का भी लिया, आपने खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। और एक चीज़ बोलूँगा, अभी ये प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी हुआ है, एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ ऐसा लगता है चला वो भूल गया, वो पढ़ता हूँ ऐसा लगता है ये भूल गया, नहीं भूले हो आप, एग्जाम में आप कर लोगे एक गारंटी है, ऐसा लगता है लेकिन, ठीक है। तो मैं अभी यही बोलूँगा, एक एक छोटा सा कॉपी बनाना, छोटा सा कॉपी, जब भी आप टेस्ट सीरीज करते हो ना एक साथ में कॉपी बनाना, कॉपी में क्या करना, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना उसको आप लिख लो, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिख लो, या नहीं क्योंकि लिख लो, अगर नहीं लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट में PDF कर लो, लेकिन वही आपको टाइम लग जाएगा, इतना क्यों ही करना है, तो इससे अच्छा लिख लो उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उस कॉपी को आप एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाना कि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं फंसा था, तो ये एक आपका एक सही होगा, ठीक है। ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज डेडिकेटली देना है। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जो मेरा फॉर्मूला था, एक बार सारा फॉर्मूला लिख के देखिए, सारा फॉर्मूला जो है ना लिख के देखिए, ठीक है, ना देख के लिख के देखिए, अच्छा ये सब्जेक्ट था, इसके ये टॉपिक था, एक बार देख ले, टॉपिक कॉपी नोट से देख ले, एक बार लिखिए, खुद लिखिए, बन रहा है कि नहीं, नेक्स्ट बन रहा है कि नहीं, हार्ट के टिप में होना चाहिए,
वहां सोचने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, हार्ट के टिप में होना चाहिए फॉर्मूलास, ठीक है। ईएससी का इंटरव्यू अभी आ रहा है, इंटरव्यू के लिए मैंने वही बोला है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब से रिलेटेड अच्छे से पढ़ो, अपने स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आपके स्टेट से रिलेटेड कुछ अच्छे कोई फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका नाम जो है वो नाम का मीनिंग क्या है, आपका कुछ अजीब सा नाम है, कोई नरेंद्र करके कोई होगा, या आपका सरनेम मोदी है, तो उसमें आपका जा सकता है इंटरव्यू। तो ये सब आपका ध्यान दीजिए, आपका अगर कुछ ऐसा तरीके का नाम है जो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी है तो देख लीजिएगा नाम के ऊपर। और बाकी हॉबी वॉबी देते समय भी ध्यान दीजिएगा, हवाबाजी में कुछ मत लिखिएगा कि मैं तो ये इतना खेलता हूँ, मेरा अच्छा शो करेगा, नहीं करेगा, आप फंस जाओगे वहाँ पे, क्योंकि वो पूछ लेगा आपको बहुत गंदा वाला। फिर बाकी जो होता है आप लोगों का टेक्निकल जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उतना काफी है, मैं यही बोल रहा हूँ, जो नहीं बता पाओगे उसमें नंबर नहीं है, जो बता पाओगे करेक्टली बता पाओगे विद कॉन्फिडेंस उसमें मार्क्स है। हिचकिचाना नहीं है, नहीं पता है सर आई डोंट नो, बस ध्यान रखना आई डोंट नो मत बोलना, अपना स्ट्रेटेजी यूज करना आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम अनएबल टू रिकॉल, तो ऐसे स्ट्रेटेजी करना। और इतना क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, उनको भी पता है अगर 3 बार ऐसे बोल चुके तो आसान क्वेश्चन में आ ही जाएंगे, तो इतना टेंशन मत लो, इंटरव्यू चिल है। और ये मैं बोल देता हूँ, कुछ ना बोलने का भी 100 नंबर तो आपको ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन गलती करके आओगे या ज्यादा ईगो पे लोगे या उनका नहीं मानोगे, जैसे कोई प्रोफेसर बन रहा है ये चीज ऐसा है, तो आप लड़ लो उसमें कि नहीं सर आई हैव रेड दिस समवेयर, दिस इज लाइक दैट, आपका 100 से नंबर नीचे आएगा, 80-70 में आ जाएगा, गलत चला जाएगा। देखो मिनिमम 80 से जाता है और मैक्सिमम 140 जाता है, 100 से 120 इन जनरल सबको दे देते हैं, थोड़ा बहुत भी बोल के आओगे इतना मिल जाता है, लड़ना नहीं है वहां पे, लड़ लोगे 100 के नीचे नंबर, अपना जाओ कंफर्टेबल में जाओ, इतना मत सोचो, बेसिक क्वेश्चन बता देना, नहीं पता है खत्म बात, बोलने का नंबर होता है, ये ध्यान देना बोलने का नंबर होता है, नहीं बोलने का नंबर नहीं होता है, कूल रहो बस, चिल रहो, और कुछ नहीं सोचना है। ये बहुत हेल्प करेगा सर सब लोगों को बहुत ज्यादा। हम लोग फाइनली एंड अप करेंगे, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंटेंट आते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन, पुरानी चीज़ें पुरानी यादें आई होंगी और एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आया होगा कि कोई जो इस वीडियो को देख रहा होगा आपके कुछ वर्ड्स के वजह से उनको फायदा होगा। थैंक यू सो मच, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।